आज हम GERD जो होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। GERD गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज होती है। इसको अगर हम सरल भाषा में अगर समझें तो अगर जो पेट जो खाना है वो अगर फूड पाइप में या इसोफेगस में अगर आता है या एसिड का जो रिफ्लक्स अगर फूड पाइप में होता है इसोफेगस में होता है तो उसको GERD कहते हैं। GERD एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है और वेस्टर्न वर्ल्ड में जैसे अमेरिका और यूरोप में इसका प्रेवलेंस 20-40% ऑफ द पॉपुलेशन होता है, यानी कि हर 100 में से 20 से 40 लोग इस बीमारी से परेशान रहते हैं। GERD एक क्रॉनिक कंडीशन है और इंडिया में जो प्रेवलेंस है कि जो लोग GERD से परेशान हैं वो अराउंड 5-10% ऑफ द पॉपुलेशन है, लेकिन क्योंकि इंडिया की एक तो फूड हैबिट्स चेंज हो रही हैं और बढ़ते हुए और कारण जैसे कि मोटापा, शराब, अल्कोहल का इंटेक, स्मोकिंग का इंटेक जो कि लाइफस्टाइल चीज़ें हैं वो उनके बढ़ने की वजह से GERD का प्रेवलेंस इंडिया में भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो 5-10% भी एक बहुत बड़ा नंबर है GERD का, तो हमारे इंडिया में इनफैक्ट सबसे ज़्यादा पेशेंट्स हमारे इंडिया में ही होंगे GERD से जो सफ़र कर रहे हैं। तो GERD में होता क्या है, GERD में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ये है कि सीने में जलन होना, मुंह में पानी आना, जो खाना खाया है वो उसका ऊपर आना फूड पाइप में, ये प्रॉब्लम्स होती हैं। और इससे और भी बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि कुछ पेशेंट्स को परसिस्टेंट कफ रहता है, खांसी रहती है जो कि खांसी की दवाई से ठीक नहीं होती है, उनको ये साइलेंट GERD हो सकता है जिसे GERD के एक्स्ट्रा इसोफेजियल मैनिफेस्टेशंस बोलते हैं, तो जो कि पेट से रिलेटेड जो नहीं होते हैं वो भी इससे कारण हो सकते हैं। तो कुछ बच्चों को अस्थमा, जो सांस की तकलीफ होती है, दमे की जो तकलीफ होती है, वो भी एक GERD का मैनिफेस्टेशन हो सकता है, वो भी GERD का मैनिफेस्टेशन हो सकता है। तो दमे की तकलीफ भी GERD का मैनिफेस्टेशन हो सकता है, जो कि बच्चों में काफ़ी कॉमनली पाया जाता है। बच्चों में नॉर्मली हम GERD वैसे नहीं देखते हैं, लेकिन इस तरह से बच्चों को लगातार खांसी रहना या दमे की शिकायत होना तो GERD रूल आउट करना ज़रूरी होता है उन पेशेंट्स। दूसरा जो GERD के जो एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन है वो कि नाक कान की प्रॉब्लम्स, होर्सनेस ऑफ वॉइस या बार बार साइनसाइटिस होना, ये भी एक GERD का मैनिफेस्टेशन हो सकता है। तो इस GERD को हम किस तरह से बेसिकली हम डायग्नोज कैसे करें, इसका हम कि पता कैसे करें कि यही GERD है, तो इसके लिए जो ज़रूरी टेस्ट होते हैं उनमें एक 24 आवर pH टेस्टिंग एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है। इसमें हम एक कैथेटर डाल के मैनोमेट्री करके देखते हैं कि जो ईसोफेगस है, फूड पाइप है, उसका जो pH है, जो उसमें अम्ल की मात्रा है, वो कितने टाइम तक जो 4 pH है उससे नीचे रही। तो इससे हम GERD को बेसिकली क्वांटिटेटिव मेजर करते हैं। जो दूसरा टेस्ट है GERD के लिए वो एंडोस्कोपी पे जो हम मुंह के रास्ते एक एंडोस्कोप डाल के हम ईसोफेगस और स्टमक को एग्जामिन करते हैं। इसमें जो ईसोफेगस में GERD के कई मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं, जैसे फूड पाइप में छाले हो जाना, अल्सर्स हो जाना GERD में कॉमन होते हैं, और इसको इरोजिव ईसोफेजाइटिस कहते हैं, जिससे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे खाना पास होने में प्रॉब्लम होती है, या फिर खून की उल्टी होना या बार बार उल्टी होना, ये भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो जो GERD है एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और इसका जो ट्रीटमेंट है
जो ट्रीटमेंट है वो आजकल बहुत ही सरल हो गया है, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ आ गई हैं जो इसको इफेक्टिवली ट्रीट कर सकती हैं। इनमें जो प्रमुख दवाइयाँ हैं वो हैं पीपीआई बोलते हैं हम, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स बोलते हैं, जो कि बहुत ही इफेक्टिव तरीका होता है इनको सही करने का। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो बॉडी में एसिड की जो मात्रा है उसको रेगुलेट करते हैं, जो स्टमक की एसिड की मात्रा है उसको रेगुलेट करते हैं, और जो रिफ्लक्स होता है वो नॉन एसिडिक हो जाता है, तो जिसके कारण कि जो अल्सर्स वगैरह, जो इसोफेजियल अल्सर्स हैं या जो हार्ट बर्न है, जो सीने में जलन की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी कम हो जाती है। यूजुअल डोज होती है हम जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स पीपीआई की जो देते हैं वो यूजुअली एक दिन में एक बार काफ़ी होती है, लेकिन कुछ रेजिस्टेंट केसेस में हमें दिन में दो बार भी देना पड़ सकता है या डोज को बढ़ाना भी पड़ सकता है। जो और तरीके हैं जो जीआरडी को ठीक करने के लिए, उसमें प्रोकाइनेटिक ड्रग्स होती हैं, जिस तरीके आजकल काफ़ी सारी प्रोकाइनेटिक ड्रग्स अवेलेबल हैं, इनमें एक ग्लिकोसल्फराइड है जो कि काफ़ी इफेक्टिव है जीआरडी के सिम्टम्स को ठीक करने में। तो आजकल प्रोकाइनेटिक्स और जो पीपीआई का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी कॉमनली यूज होता है, और ये एक काफ़ी इफेक्टिव भी होता है जी आर डी को ट्रीट करने में। जो जो और प्रॉब्लम्स हैं, जो और तरीके हैं जी आर डी को ठीक करने के लिए, एक सर्जरी होती है, अगर कुछ पेशेंट्स को हाइटस हर्निया होता है जिसकी वजह से जी आर डी होता है, तो उस केस में वो हाइटस हर्निया की रिपेयर कर सकते हैं, फंडोप्लाइकेशन कर सकते हैं, जिससे कि जी आर डी काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। ये तो दवाई के बारे में है, लेकिन है ना, जो जीआरडी है एक लाइफस्टाइल डिसीज है, और ये जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं लाइक अधिक मात्रा में शराब पीना, स्मोकिंग करना, या फिर बार बहुत ज़्यादा कॉफ़ी या टी का प्रयोग करना, ये एक बहुत बड़ा कारण है जीआरडी के लिए। तो हमें ये लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए कि हमें कॉफ़ी और टी की मात्रा को लिमिट करना चाहिए, और स्मोकिंग तो हमें बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, अल्कोहल की भी मात्रा कम करनी चाहिए, लिमिट करनी चाहिए। जो एक सबसे बड़ा कारण आजकल जो बढ़ता हुआ कारण है जीआरडी को बढ़ाने के लिए वो है मोटापा, ओबेसिटी या मोटापा एक सबसे बड़ा कारण है जीआरडी का प्रिवलेंस बढ़ाने में। और जो लोग जिनका बीएमआई 30 से ऊपर होता है उनमें जीआरडी की जो प्रेवलेंस है वो 50% तक होती है, तो मोटापा को कंट्रोल करना, वेट को कंट्रोल करना एक बहुत ही आवश्यक चीज़ है जीआरडी को ठीक करने के लिए। अगर आपका थोड़ा सा भी वजन कम होता है तो जीआरडी के सिम्टम्स बहुत कम हो जाते हैं। दूसरा, रेगुलर एक्सरसाइज करना एंड स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स लेना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें जीआरडी के सिम्टम्स बहुत कम हो जाते हैं। जो जीआरडी के सिम्टम्स जो होते हैं, जो कि सीने में जलन होना, खाना ना पचना, और ये कभी कभी एक सीरियस बीमारी का भी सिम्टम्स हो सकते हैं, तो हमें हमेशा यही नहीं सोचना चाहिए कि सिंपल एसिड का जो रिफ्लेक्स हो रहा है उसी की वजह से, तो एक अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। और अगर ये सिम्टम्स अगर 40 साल की उम्र के बाद सडनली अपीयर होते हैं तो डेफिनेटली एक डॉक्टर से अवश्य कंसल्ट करना चाहिए, और हो सके तो एक एंडोस्कोपी ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि हमें जो पोटेंशियली डेंजरस बीमारियां हैं जैसे कि कैंसर या स्टमक का कैंसर या इसोफेगस का कैंसर, उसको हम रूल आउट कर सकें। तो मेरा यही कहना है कि जीआरडी एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है, बहुत ही कॉमन सिम्टम है, अराउंड 20-30% ऑफ पॉपुलेशन को ये सिम्टम्स कभी ना कभी होते हैं। ये काफ़ी हद तक बहुत सिंपल मेडिसिन से ट्रीट हो सकते हैं, लेकिन ये सिम्टम्स कभी कभी डेंजरस बीमारियों के या खतरनाक बीमारियों के भी हो सकते हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और प्रॉपर टेस्ट कराने चाहिए अगर ये सिम्टम्स आपको बार बार